हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? ऐसा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना अपना काम करेंगे। मेरा नाम दोस्त है, मैं आ रहा जैसे चटंडा ब्लॉग बनाते हैं दोस्तों, तो आज स्पेशली ऐसे जानकारी देने वाला हूँ दोस्तों जो हम लोगों के साथ अक्सर होते रहता है दोस्तों। फिलहाल दोस्तों आप लोग बन रहे वीडियो में देखते रहिए। फिलहाल दोस्तों मैं ऐसी जानकारी देने वाला हूँ अभी आप लोगों को कि अक्सर दोस्तों हमारे साथ में होता है और हम लोग को दोस्तों बहुत बड़ा परेशानियों के साथ गुजरना पड़ता है, क्योंकि दोस्तों मेरे साथ में भी वैसे ही हुआ है कि दोस्तों मेरे साथ ऐसे लगभग दोस्तों 3 या 4 बार हो चुका है। लेकिन मैं इस बार शेयर करूँ, क्योंकि दोस्तों अगले टाइम में मैं ब्लॉगिंग नहीं करता था, इसलिए उस समय आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाता था दोस्तों कि मेरे साथ में क्या हुआ है। और फिलहाल दोस्तों आप लोग के साथ भी ऐसे अक्सर होते रहता है, क्योंकि दोस्तों हमारा जो मोबाइल है वो मोबाइल दोस्तों हमारे हाथ से गलती से छूटता है और स्क्रीन दोस्तों चकनाचूर हो जाता है। अगर हम स्क्रीन गार्ड लगाए हैं दोस्तों तब तो हमारा स्क्रीन गार्ड टूट जाता है और प्रोटेक्ट करता है दोस्तों स्क्रीन गार्ड हमारे स्क्रीन को। तो फिलहाल दोस्तों स्क्रीन गार्ड भी लगाए रहते हैं कभी कभी, और दोस्तों पूरी तरह से हमारा स्क्रीन डैमेज हो जाता है, और वही परेशानी दोस्तों हमारे मेरे साथ में हुआ। तो फिलहाल दोस्तों मैं अपने घर में था और मॉर्निंग में उठा, क्योंकि दोस्तों रात में यह हुआ था शूटिंग में, और शूटिंग का जो ब्लॉग बनाया था दोस्तों उसको मैं आप लोग को शेयर करने वाला था। जो सिक्वेंस बैठाना दोस्तों वैसे बैठा चुका था, और फिलहाल दोस्तों उस वीडियो के बारे में बता दूँ आप लोगों को, क्योंकि वो जो वीडियो है दोस्तों वो शादी में गया होता सुरेंद्र भैया के दुल्दुला, और वहाँ पर दोस्तों काफ़ी नाचा था मैं, और नाचने वाला वीडियो में दोस्तों आप लोग प्यार सपोर्ट दिखाते हैं मेरे को पता है। लेकिन ये जो ब्लॉग है दोस्तों अभी लास्ट है बोला, वो ब्लॉग मेरे को लगता नहीं है दोस्तों छूट पाएगा, क्योंकि दोस्तों ऐसा सीन हो गया है कि मेरा मोबाइल ही डैमेज हो गया, बोले तो स्क्रीन वगैरह टूट गया, और बिल्कुल भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा दोस्तों कि ऐसे कांड हुआ, क्योंकि दोस्तों मैं अभी अचानक कौन सा मोबाइल लूँ और क्या करूँ ये समझ नहीं आ रहा है दोस्तों, क्योंकि परेशानी दोस्तों, क्योंकि जो भी मोबाइल हमारे हाथ में रहता है वो अगर डैमेज हो जाए दोस्तों तो हम नया मोबाइल जो भी अपडेट करना चाहते हैं वो अचानक नहीं कर पाते बिल्कुल भी। और फिलहाल तो वही सिचुएशन मेरे साथ में हो गया है, और मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ इस बात को। और आप लोग साथ दोस्तों कितने लोग साथ में ऐसा कांड हो चुका है जो हमारे हाथ में मोबाइल रहता है वो स्पेशली गिरता है और टूट जाता है, टूटने के बाद दोस्तों हमारा दिल दिमाग कुछ भी काम नहीं करता है और टूटे रहता है, और स्क्रीन पर काम करता दोस्तों हमारा कुछ बहुत काम चल जाता है। लेकिन अगर स्क्रीन पूरी तरह से डैमेज हो जाए, स्क्रीन भी काम नहीं कर रहे है और स्क्रीन में कुछ दिखता भी नहीं है, तो दोस्तों हमें बहुत ज़्यादा परेशान होगा। वही सीन हुआ मेरे साथ में, मेरा जो मोबाइल है वो मैं नहाने जाने वाला था और मैं अपने टेबल में रखने वाला था, टेबल में रखने की वजह से टेबल में रखते रखते दोस्तों ज़मीन में गिरा, ज़मीन में दोस्तों एकदम आसानी से गिरा, ढप से गिरा दोस्तों, पूरी तरह से मेरा स्क्रीन धपाक हो गया, और मेरे दोस्तों मेरा दिमाग उस टाइम तो काम कर रहा था दोस्तों कि धपाक क्या होगा, तो स्क्रीन थोड़ा बहुत बचा होगा ऐसा करके। लेकिन दोस्तों जब मैं देखा तो पूरी तरह से ब्लैक हो गया दोस्तों, तो मुझे दोस्तों काफ़ी परेशानी हुआ कि ऐसे मेरा मोबाइल हो गया, और मैं दोस्तों तुरंत नज़दीकी मोबाइल शॉप में गया और अपने मोबाइल को दिखवाया, और मेरा दोस्तों मॉडल ऐसा है कि उस मॉडल का कॉम्बो भी नहीं मिल पाया दोस्तों, तो परेशानी तो हुआ और दोस्तों, क्योंकि कॉम्बो अगर ना मिले तो इंतज़ार करने वाला सिचुएशन होता है दोस्तों, और मेरे साथ इंतज़ार करने वाला सीन बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप लोगों के साथ दोस्तों रेगुलर ब्लॉग बनाता हूँ और डालता हूँ, तो वो जो सीन है उस सीन से मैं थोड़ा घबरा गया और मेरा सीन जो है वो डकमा गया कि कैसे करूँ अब मैं और क्या करूँ, क्योंकि दोस्तों उसका जो कॉम्बो आएगा और उसमें लगेगा तब जाकर मेरे को लगता है कुछ राहत मिलेगा। लेकिन बहुत जल्द दोस्तों मेरे को अपडेट करना पड़ेगा और नया मोबाइल लेना पड़ेगा, लेकिन कौन सा लूँ और क्या करूँ बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। आप लोग को अगर दोस्तों सजेस्ट करना था प्लीज़ चीज़ें सजेस्ट कीजिए, ताकि मैं आप लोग के सजेस्ट के हिसाब से मोबाइल लूँ और देखूँ दोस्तों कि कौन सा मोबाइल मेरे हाथ में अच्छे से टिकता है। ठीक है दोस्तों,
परेशानी तो दोस्तों अक्सर होता है, और यही परेशानी दोस्तों मेरे साथ में हुआ है। तो फिलहाल दोस्तों आप लोग साथ में कितना लोग के साथ में परेशानी ये वाला हुआ है प्लीज़ मुझे कमेंट करिए बताइएगा। अभी फिलहाल दोस्तों मैं आ चुका हूँ नया मोबाइल लेने के लिए, क्योंकि दोस्तों आप लोग को बता चुका था मेरे ब्लॉग में कि मेरा मोबाइल हो गया था दोस्तों ख़राब, और उसके लिए दोस्तों मैं स्पेशली लेने आ चुका हूँ एक नया मोबाइल, जिस मोबाइल का दोस्तों अनबॉक्सिंग और जो भी फीचर है दोस्तों सारा चीज़ को बताऊंगा। तो फिलहाल दोस्तों अभी तो दोस्तों ये नया मोबाइल से मैं वीडियो बना रहा हूँ और दिखा रहा हूँ। फिलहाल दोस्तों मैं फाइनली नया मोबाइल ले लिया हूँ, और दोस्तों ये है मेरा नया मोबाइल का फुटेज, और आप लोग को दोस्तों ये फुटेज कैसा लग रहा है, क्योंकि दोस्तों मैं काफ़ी परेशानी में गुजर रहा था दोस्तों, क्योंकि मुझे लगा था दोस्तों कि अब मैं कौन सा मोबाइल लूँगा, और स्पेशली दोस्तों आप लोग मैं अगर मेरा इस मोबाइल का अनबॉक्सिंग देखना है दोस्तों तो मेरे इन्फॉर्मेशन दोस्तों में जाकर आप लोग जरूर देख लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि कौन सा मोबाइल है क्या है उस चीज़ को दोस्तों मैं उसी चैनल में स्पेशली आप लोग को बताऊँगा। तो अभी तो फिलहाल दोस्तों मैं हूँ अपने बाड़ी में, और जहाँ पर दोस्तों मैं अपने वीडियो कल शुरुआत भी किया था और कुछ कुछ बताया भी था, उस वैसे ही कुछ सिचुएशन दोस्तों अभी भी है कि मैं स्पेशली आप लोग को बताने के लिए इस वीडियो को बना रहा हूँ। और मैं दोस्तों कल और भी कुछ वीडियो बनाया था दोस्तों कि आप लोग को जानकारी देने वाला सीन था, वैसे वाला कुछ वीडियो बनाया था दोस्तों, लेकिन वो वीडियो किसी कारणवश हो गया था करप्ट। तो मुझे लगता है दोस्तों ये वीडियो को बनाने का मेन मकसद मेरा यही है कि आप लोग को वीडियो दोस्तों किसी भी कंडीशन में बना के मैं आप लोग को अपडेट देते रहता हूँ, इसलिए प्लीज़ मेरे चैनल को आप लोग सपोर्ट कीजिए दोस्तों ताकि मेरा कुछ हो सके। और फिलहाल दोस्तों अभी तो मैं इस वीडियो को कुछ समय तक बनाऊंगा, फिर उसके बाद में मुझे लगता है दोस्तों एंड करूंगा, क्योंकि दोस्तों मेरा अगर इस मोबाइल के बारे में आपको जानकारी हासिल करना दोस्तों कि ये मोबाइल मेरा कौन सा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल में जाकर आप लोग जो दूसरा चैनल है दोस्तों उसमें जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो फिलहाल मुझे लगता है दोस्तों अब मैं इस वीडियो को अंत करता हूँ, और प्लीज़ दोस्तों गेस कीजिए कि मेरा ये मोबाइल कौन सा मोबाइल है, तो अगर आप लोगों को जानकारी होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फिलहाल दोस्तों अब मैं इस वीडियो को अंत करता हूँ, आशा करता हूँ दोस्तों मेरा वाला जानकारी आप लोग को अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।